फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ही टेस्टी टमाटर की पूड़ियाँ बनाई हैं। ये बहुत जल्दी बन जाती है और खाने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो आप इनको किसी भी सब्जी या अचार के साथ खा सकती हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इनको ऐसे ही खा सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो आप भी एक और इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 200 ग्राम गेहूँ का आटा लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। 1/3 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, नमक आप हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और थोड़ी सी धनिया की पत्तियां डालेंगे। और ये मैंने यहाँ पर 4 टमाटरों को मिक्सी ग्राइंडर में डाल के इनका मैंने महीन पेस्ट बना लिया है। और इनको हम इस तरह से टमाटर का पेस्ट इसमें डालेंगे, और जिस तरह से हम नॉर्मल पूरी का आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसा ही आटा लगा के हम इसका तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें सारा ये बैटर डालते जाएंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें पानी का यूज भी कर सकती हैं। अगर आपका टमाटर का पेस्ट कम है तो आप इसमें पानी भी डाल सकती हैं। और ये डो हमारा तैयार हो गया है। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच ऑयल लेंगे और इसको अच्छे से चिकना कर लेते हैं। और ये मैंने डो को अच्छे से चिकना कर लिया है। और अब हम इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसकी पूरी बनाएंगे। और 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। तो आटा हमारा सेट हो गया है, तो हम इसको थोड़ा सा और मसल लेते हैं। और अब हम आटे में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लंबा कर लेते हैं। इसको लंबा करने के बाद इसमें से हम छोटी छोटी सी लोइयां तोड़ लेंगे। लोइयां आप अपने हिसाब से थोड़ी सी छोटी या बड़ी बना सकती हैं। लोइयों को तोड़ने के बाद अब हम लोइयों को चिकना कर लेते हैं। इस तरह से हम सारी लोइयों को बना के तैयार कर लेंगे। ये मैंने सारी लोइयों को बना के तैयार कर लिया है। तो 1 कटोरी हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और ऑयल को इस तरह से इस पर लगाएंगे और इस पर एक लोई रखेंगे। और लोई को हम हल्का सा प्रेस करेंगे और इसकी एक पूड़ी तैयार कर लेते हैं। पूड़ी को हमें बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। चारों किनारियों को एक जैसा ही रखना है। तो इस तरह से हम इसकी पूड़ी बना के तैयार कर लेंगे। और इसी तरह से हम दूसरी पूड़ी बना लेते हैं। तो इस पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे और इसको बेल लेते हैं। देखिए, इसी तरह से हम सारी पूड़ियों को बना बना के तैयार कर लेते हैं। ये मैंने सारी पूड़ियों को बेल के तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, पूड़ियाँ तल लेते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस ऑन करके एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। और ये ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें अपनी ये पूरी डालेंगे। तो इस तरह से पूरी को डाल के कलची से हम इसको प्रेस करेंगे। आप देख सकती हैं पूरी कितनी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसको पलट देते हैं और इसी तरह से हम इसको दूसरी साइड से ही सेक लेते हैं। और ये पूरी हमारी दोनों साइड से अच्छे से सिक गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो और इसी तरह से हम सारी पूड़ियों को सेक लेंगे। और ये हमारी गर्मा गर्म टमाटर की पूड़ियां बनके तैयार हैं। और आपने देखा इनको बनाना कितना ईजी है, बहुत जल्दी बन जाती हैं। आप इनको अपनी किसी भी मनपसंद सब्जी या अचार के साथ खा सकती हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इनको ऐसे ही खा सकती हैं। खाने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो आप भी एक और इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।